की जय। पाकिस्तान हाय हाय। पाकिस्तान हाय हाय। पाकिस्तान हाय हाय। एएसआई हाय हाय। पाकिस्तान हाय हाय। पाकिस्तान हाय हाय। पाकिस्तान हाय हाय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पाकिस्तान हाय हाय। पाकिस्तान हाय हाय। पाकिस्तान हाय हाय। आईएसआई हाय हाय। आईएसआई हाय हाय। होश में आओ होश में आओ। टेररिज्म को खत्म करो खत्म करो खत्म करो। टेररिज्म को खत्म करो खत्म करो। पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ होश में आओ। इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान के द्वारा डे बाय डे टेररिस्ट भेजकर यहाँ के निर्दोष लोगों को शहीद किया जा रहा है। यहाँ के सेना के जवानों को शहीद किया जा रहा है। गांत लगाकर घुसपैठिए की तरह छुपकर हमला किया जा रहा है। अगर उन लोगों में इतनी हिम्मत है तो आमने सामने आकर लड़ाई लड़े, फिर पता लगेगा कि लड़ाई क्या होती है। आज के दिन हमारे नगरवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये एक छोटा सा प्रदर्शन किया है मार्केट में। आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान की ये हरकतें इसी तरह चलती रहीं तो बड़े जम्मू कश्मीर में बड़े उग्र प्रदर्शन होंगे। इसका जो रिजल्ट होगा बहुत बुरा होगा। हम भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, यहाँ के जो हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी से ये प्रार्थना करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम निर्दोष लोगों के जो यहाँ पर पाकिस्तान के टेररिस्ट के द्वारा यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की जनता कब तक सहन करेगी। हम ये चाहते हैं कि एक ही बार पीओके पर हमला करके पीओके को लिया जाए, ताकि ये जो उसके जगह जगह पर कैंप्स लगे हैं, जगह जगह पर उसने जो अपने अड्डे बनाकर घुसपैठिए यहाँ पर भेजने का प्रयास कर रहा है और भेज रहा है, इसको परमानेंट खत्म किया जाए। हमें आशा है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार एक कोई अच्छे कदम उठाएगी जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राहत मिलेगी। अब राजनीति पर दोबारा से जो पाकिस्तान के किराए के टट्टो हैं, उन्होंने फिर से एक बार कायराना हरकत की है, घात लगाकर हमारे इंडियन आर्मी पे अटैक किया है। मैं उसी कड़ी निंदा करता हूं और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं, जो केंद्र की सरकार है उससे यही अपील करता हूं कि रोज रोज के ये जो अटैक है, ये जो घात लगा के अटैक करते हैं, उससे एक बार आर पार की हो जानी चाहिए, ताकि जो ये रोज हमारे जो फौजी शहीद हो रहे हैं ये शहीद ना हो और जो हमारा J&K है ये खुशहाली से रहे। और परसों का आपको वाकया पता ही होगा, श्रीनगर के कुलगाम में जो किस तरह से जो OGWs होते हैं, जो मिलिटेंट्स को जो ये बाड़े के टट्टू होते हैं इनको अपने घरों में रखते हैं, आपने वो वीडियो देखी होगी किस तरह से अलमीरा के ड्रॉअर के पीछे कमरा बनाया गया। इंडियन आर्मी 4-5 दिन उन लोगों को ढूंढती रही लेकिन वो नहीं मिले, क्योंकि जो वहां के लोकल लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने अपने घर में अलमीरा के पीछे एक कमरा बना के रखा हुआ था, उस कमरे में उन मिलिटेंट्स को छुपा के रखा हुआ था। मैं गवर्नमेंट से यह भी अपील करता हूं कि जो इस तरह के लोग हैं उन लोगों की सारी प्रॉपर्टी सीज करके नीलाम कर देनी चाहिए और उन लोगों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा देना चाहिए, ताकि जो आने वाले लोग हैं जो मिलिटेंट्स का साथ देते हैं, जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, वो साथ देने से पहले एक बार सोचे कि उनका खानदान खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं केंद्र सरकार से ये अपील करता हूं कि वो कड़े से कड़े जो एक कानून है वो इस पे लाएं, ताकि जो इन लोगों को फांसी तक पहुंचाया जाए, ताकि जो आने वाले लोग हैं जो उनका साथ देते हैं वो साथ देने से पहले एक बार इनके बारे में सोचें। जय हिंद जय।